आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने राजस्थान संपर्क की शुरुआत की। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम। हमारे यहाँ पर पहले भी हमने जलदाय विभाग को हेडपंपों के खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद में फिर हमने राजस्थान संपर्क पोर्टल पे इनकी शिकायत डलवाई और उसका आप जीता जागता प्रमाण देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हेडपंप सुचारू रूप से चालू है। राजस्थान सरकार को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें हमारे किशन मार साहब जी हैं, उनके पास हेडपम्प खराब था, वो भी सही है। पोलियो का मोहल्ला, गैरवा मोहल्ला और अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास में ही है इसका ये हेडपम्प है और ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। राजस्थान सरकार को इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम। मेरा नाम केशव प्रसाद गुप्ता है। मैं पूर्व में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रोधही में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस समय के मेरे करीब 22,000 रुपए के ट्यूबवेल बकाया थे, जिनमें से 14,000 रुपए के ट्यूबवेलों को उठाने में आनाकानी की जा रही थी। बजट उपलब्ध था, फिर भी मैंने काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी मेरे ट्यूबवेल नहीं उठाए गए थे। अंत में मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपना प्रवाद दर्ज कराया और संपर्क पोर्टल पर प्रवाद दर्ज कराने के कुछ समय बाद ही मेरे ट्यूबवेल उठा दिए गए, जो कि ट्रेजी में पास हो चुके हैं। मैं राज्य सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना और पोर्टल का विशेष आभारी हूँ। जय हिंद। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम। मेरा नाम भक्तो देवी है, मैं ग्राम बागोल के निवासी हूँ। मेरा भामाशाह कार्ड नहीं बना था, जिसकी वजह से मुझे राशन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान पोर्टल पर की। मेरा भामाशाह कार्ड बन गया है और मुझे राशन भी मिलने लगा है। मैं सरकार की इस योजना से काफी प्रभावित हूँ। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम। मैं कपिल कुमार जैन, निवासी इंदौर सिटी। मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग होने के बाद से ही मुझे वेतन नहीं मिला है। मैंने अधिकारियों के काफ़ी चक्कर लगाए, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फिर मैंने राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज की और मेरी समस्या का समाधान हो गया और 10-15 दिन बाद मुझे वेतन मिलने लग गया। मैं सरकार की योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान संपर्क, सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसुनवाई। टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, ई मित्र व मोबाइल ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज। समाधान तक शिकायत पर कार्यवाही की प्रगति देखने की व्यवस्था। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम।